तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे ये सैमसंग का लेवल ब्लूटूथ हेडफोन। तो आप यहाँ देखिए, ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है ये पूरे डेड कंडीशन में है, और इसमें जो चार्जिंग है, चार्जिंग भी वर्क नहीं कर रही है। तो देखिए आप, चार्जिंग लगाने पर इसमें कोई भी LED इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ, और यहाँ पर पावर का बटन प्रेस करने पर भी जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो ऑन नहीं हुआ है। तो ये पूरे डेड कंडीशन में ये रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इसे हम कैसे रिपेयर करेंगे, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो यहाँ पर तो देखिए, दोनों साइड में रबर लगी हुई है। तो पहले इन रबर को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। देखिए आप, रिमूव करने के बाद ही ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है ये ओपन हो पाएगा, जो कि हम कर लेते हैं। देखिए आप, रबर जो है दोस्तों वो चिपकी हुई है, इसलिए हमें आराम से निकालना है इसकी जो रबर है वो। तो देखिए दोस्तों, एक साइड से इसकी जो रबर है ये हमने ओपन कर ली है। तो ये दोस्तों ग्लू से चिपकी हुई थी, तो इसे हमने ओपन कर लिया है। ऐसे ही हमें इस साइड से भी इस रबर को ओपन कर लेना है, क्योंकि तभी ये जो हेडफोन है ये ओपन होगा। और इसकी जो रबर है वो काफ़ी हार्डली चिपकी हुई है इंस्टेंट ग्लू से, इसलिए मुझे आराम से इसकी जो रबर है ये रिमूव करनी होगी। तो चलिए हम कर लेते हैं रिमूव यहाँ से। देखिए आप, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी हमने इसकी जो रबर है ये निकाल दी है। तो देखिए, दोनों साइड के जो कैप हैं ये हमने निकाल दी हैं रबर के, और अब यहाँ से ये जो हेडफोन है ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, ये जो ये ओरिजिनल सैमसंग वाला ब्लूटूथ हेडफोन नहीं है, ये कॉपी ब्रांड है लेबल का, ये आप देखिए। क्योंकि ओरिजिनल जो हेडफोन होते हैं दोस्तों, इस टाइप का उसमें सर्किट बोर्ड नहीं लगा होता है, तो ये लोकल ब्रांड का है। अब इसका जो स्पीकर है, पहले ये भी मैं निकाल ही देता हूँ, बाद में इसकी जो वायरिंग से ये ना टूटे। देखिए, इसको मैंने निकाल दिया है, और यहाँ से इसके जो स्पीकर के तार हैं ये थोड़े लूज़ कर लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का इसमें PCB बोर्ड लगा हुआ है। इसमें जो चेक करने वाली जो चीज़ है वो है इसकी बैटरी। तो बैटरी को हम चेक करेंगे। देखिए आप, तो यहाँ पर इसकी जो बैटरी है, बैटरी में बिल्कुल भी पावर नहीं आ रही है। और साथ में इसकी जो चार्जिंग है, चार्जिंग लगा के भी देख लेते हैं हम। देखिए, चार्जिंग मैंने लगा लिया है, बट यहाँ पर चार्जिंग की जो LED है, LED ग्लो नहीं हो रही है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अब फिर से जो बैटरी के वायर हैं इन पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। चार्जिंग कनेक्ट करने पर बैटरी पर वोल्टेज आ रही है, देखिए आप। यानी कि यहाँ तक जो सप्लाई है वो यहाँ पर वर्क कर रही है। तो अब इस कंडीशन में हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। तो ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग को डिसकनेक्ट कर लेते हैं, और एक बार फिर से बैटरी पर पावर हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अब भी बैटरी पर कोई पावर नहीं आ रही है। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या स्टेप फॉलो करनी है वो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों, हम इसमें डायरेक्ट सप्लाई दे के देख लेते हैं, हमारी जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है। तो यहाँ पर जो मेरे प्रॉप्स हैं, USB प्रॉप्स, इनको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पावर बोर्ड से। देखिए आप, आपको मैं ठीक से दिखाता चलूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो प्रॉप्स हैं वो हमने कनेक्ट कर लिए हैं, और इस पर वोल्टेज चेक कर लेनी है हमें। देखिए आप, 4-5 वोल्ट का ये एडाप्टर है, मोबाइल का ही एडाप्टर है ये। तो यहाँ पर दोस्तों, जो दोनों प्रॉप्स हैं
प्रॉप्स को मैं इसके प्लस और माइनस पर लगा के देख लेता हूँ। देखिए आप, यहाँ पर पावर बटन को भी हमें साथ में ऑन करना होगा, तो ये भी हम बीच में इसमें पावर बटन दिया हुआ है, ये ऑन करके देख लेंगे। तो देखिए आप, दोनों प्रॉप्स लगा लिए हैं मैंने, चलिए ऑन करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सर्किट बोर्ड ऑन हो चुका है। देखिए आप, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई दी हुई है इसमें 5 वोल्ट की। तो इस तरह से जो पीसीबी है ये हम चेक कर सकते हैं इस ब्लूटूथ हेडफोन में। तो पीसीबी ऑन हो गया है और यहाँ पर जो लाइट है वो भी यहाँ पर वर्क कर रही है, और जो बैटरी है बैटरी भी लगभग यहाँ पर चार्ज हो गई है, तभी ये जो लाइट है यहाँ पर ब्लिंक हो रही है। अब इसकी जो बैटरी का पावर है, बैटरी पर पावर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए आप, मीटर में 3.34 वोल्टेज आ रही है, यानी कि अब ठीक है, इसका जो पावर था वो प्रॉपर यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए अब फिर से इसकी जो चार्जिंग टेस्ट है वो हम करके देख लेते हैं। और पहले हम कर देते हैं इसको पावर ऑफ। देखिए पावर ऑफ कर दिया है, और चलिए पहले इसकी चार्जिंग लगा लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये चार्जिंग वर्क करने लगी है। और इसके बाद यहाँ पर फिर से हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसकी, आ रही है या नहीं। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग पर भी जो वोल्टेज है वो यहाँ पर प्रॉपरली आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर स्विच ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यानी कि चार्जिंग भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम क्यों आई है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले दोस्तों, होता क्या है कि टाइप के जो लोकल है ब्लूटूथ हेडफोन होते हैं, इसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो इसकी ये जो सिस्टम आईसी है इससे आती है। यदि ये ब्लूटूथ हेडफोन पूरा डिस्चार्ज हो जाता है बाई केस, तो जो मेमोरी है वो यहाँ पर रीडिंग नहीं ले पाती, इसी वजह से ये जो सर्किट बोर्ड है ये एकदम डेड पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है, इसे ऑन करने के लिए इसमें जो बैटरी है, बैटरी पर हमने डायरेक्ट 5 वोल्ट की सप्लाई दी है, जिससे ये जो बोर्ड है बोर्ड ऑन हो गया था। बोर्ड ऑन होने के बाद इसकी जो बैटरी थी ये भी चार्ज हो गई है, और अब यहाँ पर इसमें जो डेड की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है। यदि ये फिर भी ऑन नहीं होता, उस कंडीशन में इसकी जो चार्जिंग आईसी है वो हमें चेक करनी होती, और बाकी इसमें जो SMD रेजिस्टेंस लगी हुई हैं ये हमें चेक करनी होती हैं। तो अब ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है ये ऑन होने लगा है और वर्क भी करने लगा है, इसलिए इसका जो मदरबोर्ड है ना ही हमें क्लीन करने की आवश्यकता है और ना ही इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जो बैटरी है, बैटरी भी एकदम ठीक है, वर्क कर रही है। तो आप सिंपली इसकी जो फिटिंग है वो कर लेते हैं, और फिर इसके बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए आप, यहाँ पर तो इसको फिट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर बॉन्ड ग्रैप का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम इंस्टेंट ग्लू नहीं लगाएंगे, वरना इंस्टेंट ग्लू से ये जो रबर है ये काफ़ी ज़्यादा हार्डली चिपक जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू नहीं लगाएंगे। हम इस बॉन्ड ग्रैप से इस रबर को यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो देखिए आप, यहाँ
देखिए इसकी जो फिटिंग है वो मैंने कर दी है। इसको थोड़ा सूखने देते हैं, इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो वीडियो है वो मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हेडफोन है ये एकदम कंप्लीट हो गया है सूखने के बाद। तो चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका जो पावर है पावर ऑन कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर LED ऑन हो गई है इसकी, और यहाँ पर इसका जो नाम है वो हम सर्च कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका नाम आ गया है Level U। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका जो साउंड टेस्ट है वो हम कर लेते हैं, जो दोनों स्पीकर हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो पहले इसका जो ये जो राइट वाला स्पीकर है इसका साउंड टेस्ट करते हैं। और अब लेफ्ट वाले का कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हेडफोन है ये वर्क कर रहा है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और लास्ट में इसकी जो चार्जिंग है चार्जिंग भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लाइटिंग है वो भी यहाँ पर वर्क कर रही है, और मैंने अभी इसको स्विच ऑफ नहीं किया हुआ है और ये कनेक्टेड ही है अभी। देखिए आप इसमें जो बैटरी है वो काफ़ी कम है, देखिए बैटरी का जो सैम्बल है काफ़ी कम है। तो मैंने इसे फ़ोन पर ही चार्ज लगा दिया है, और देखिए आप इसमें ब्लू लाइट भी ब्लिंक कर रही है, ये देखिए। तो ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है ये हमने रिपेयर कर दिया है, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है काफ़ी कम ही आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।